और चलिए आपको रांची के एक भव्य पंडाल की तस्वीर दिखाते हैं। सहयोगी दीपक राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, रांची का बकरी बाजार, दुर्गा पूजा का नाम आते ही सबसे पहले जो जहन में नाम कुछ पंडालों के आते हैं उनमें बकरी बाजार का पंडाल भी है। बहुत भव्यता इसकी, हर बार एक अलग प्रयोग यहाँ पर होता है। इस बार भी कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है, चक्रव्यूह देखने को मिल रहा है। कैसी रौनक नजर आ रही है क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है पूरे धूमधाम से पूजा मनाने की। जी बिल्कुल, शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है और आज माँ के चौथे रूप कुष्मांडा की पूजा हो रही है और मान्यता है कि कुष्मांडा की पूजा करने से रोग दुख दर्द जो है उसका निवारण होता है और सुख शांति की समृद्धि होती है। अब वही दुर्गोत्सव को लेकर के राजधानी रांची में सैकड़ों छोटे बड़े भव्य और आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। अब लोगों को बेहद इंतजार है कि पंडाल का उद्घाटन होगा, माँ का पट खुलेगा तो पंडाल का अवलोकन करने के लिए जो श्रद्धालु है। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। वो पहुँचेंगे और बकरी बाजार दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस बार भव्य तरीका से पंडाल का स्वरूप जो है वो तैयार किया गया है और यह पूरी तरीका से बनकर तैयार हो गया है। आज इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, माँ का पट खुल जाएगा, उसके बाद श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और पंडाल का अवलोकन करेंगे, माँ का दर्शन करेंगे और राज्य के राज्यपाल राधा कृष्णन आज शाम के वक्त इस पंडाल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ पे खास तौर पे देखने को मिलेगी। इस बार बकरी बाजार दुर्गा पूजा समिति के द्वारा जो पंडाल का निर्माण कराया गया है एक चक्रव्यूह के थीम पर यह पंडाल का निर्माण कराया गया है कि किस तरीका से मनुष्य का जो जीवन है वो चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है और समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, तो यही बताने की, यही संदेश देने की जो कोशिश है इस पंडाल के माध्यम से की गई है। पंडाल की जो खूबसूरती है वो साफ तौर पे आप तस्वीरों के माध्यम से दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरीका से भव्य तरीका से जो है पंडाल का स्वरूप को तैयार किया गया है। जैसे ही ये पंडाल में एंट्री करेंगे उसके बाद आप लेफ्ट साइड से सीधे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद घूमते उलते कह सकते हैं कि माँ का दर्शन आप कर पाएंगे। इतना आसान नहीं होता है माँ का दर्शन करना, ये बताने की कोशिश जो है वो पंडाल के थीम के आधार पर की गई है। जब पंडाल में आप प्रवेश करेंगे तो कई जगहों से घूमते हुए जो है वो आप माँ के समक्ष पहुँचेंगे, चक्रव्यूह में किस तरीके से जीवन फंसता है वो बताने की कोशिश जो है पंडाल के माध्यम से की गई है और उसके बाद माँ का दर्शन जो है आप कर पाएंगे। और पंडाल की जो डायमेंशन है आप देख सकते हैं कि काफी आकर्षक है और भव्य तरीका से जो है पंडाल इस बार भी बना है। प्रत्येक वर्ष यहाँ की पंडाल का जो भव्यता है वो साफ तौर पे निखर कर सामने आती है और दर्शक देख पाते हैं, तो लोगों को बेहद इंतजार है कि पंडाल का उद्घाटन जैसे ही होगा तो यहाँ पे पहुंचकर पंडाल का अवलोकन कर पाएंगे, तो उन श्रद्धालुओं का जो इंतजार है वो आज खत्म हो जाएगा। शाम का वक्त जब इसका उद्घाटन होगा उसके बाद श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे और पंडाल का जो है वो अवलोकन करेंगे। कारीगरों को दाद देनी होगी। दीपक देखिए, आप ये पूरे पंडाल में आप देखिए छोटी छोटी डिटेलिंग नजर आ रही है, कहीं से भी एक बार जब आप नजर डालेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आप किसी चीज की प्रतिकृति देख रहे हैं। बिल्कुल ये लगेगा जैसे आप वास्तविक किसी मॉन्यूमेंट को छू रहे हैं, उसे जी रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। कारीगर दिन रात 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है इसे बनाने में। दीपक बिल्कुल देखिए, दुर्गा पूजा का जो आयोजन राजधानी रांची में होता है बंगाल के तर्ज पर होता है, जिस तरह से बंगाल में बड़े बड़े भव्य और आकर्षक पंडाल बनते हैं उसी तरीका से राजधानी रांची में भी जो है भव्य और आकर्षक पंडाल जो है वो बनते हैं। उसकी कारीगरी का अगर आप देखेंगे तो जो इस्तेमाल हुआ है छोटे छोटे इक्विपमेंट से, खास तौर पे ये जो बकरी बाजार का जो दुर्गा पूजा पंडाल है इसमें सर्वाधिक अगर इस्तेमाल हुआ है तो लकड़ी का ही इस्तेमाल हुआ है, पटरा और जो कपड़ा है उसके माध्यम से ही पंडाल को तैयार किया गया है, तो काफी बड़ा पंडाल है और मनोरंजन के लिए भी कई तरह के साधन जो है यहाँ पे लगाए गए हैं और उसके अलावा खाने पीने के जो लजीज व्यंजन के भी जो है उसका स्वाद यहाँ पे लोग ले सकते हैं, इसके लिए कई स्टॉल भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो दुर्गा पूजा का आयोजन जिस तरीका से होता है राजधानी रांची में और खास तौर पे बकरी बाजार दुर्गा पूजा समिति के द्वारा जो पंडाल का निर्माण होता है ये अपने आप में काफी भव्य और आकर्षक होता है और यही वजह है कि लोगों खींचे चले आते हैं इस बकरी बाजार पर पूजा पंडाल की ओर
और आज जब इसका उद्घाटन विधिवत तौर पे हो जाएगा उसके बाद शाम के वक्त से ही आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ देखने को मिलेगी। पूजा समिति के द्वारा भी विधि व्यवस्था से संबंधित कई तरह की जो है व्यापक तौर पे तैयारी की है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचेंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। पूजा समिति ने तो अपनी तैयारी की ही है, साथ ही प्रशासन भी मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद है। और देखिए जो युवा दस्ता हर बार इन पूजा में मदद के लिए आगे तत्पर रहता है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। अब बस इंतजार है श्रद्धालुओं के पंडालों तक पहुंचने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।